बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। गुज़श्ता लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उस पर एक्सरसाइज 1.3 हमारी हो रही है। क्वेश्चन 2 करते हैं उस पर। क्वेश्चन 2 में फर्स्ट पार्ट में लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन। स्टूडेंट्स, हमने कल देखा था कि हम डायरेक्ट एक्स की जगह लिमिट पुट कर रहे थे, लेकिन यहां अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो हम यहां देखते हैं कि -1 क्यूब -1 ओवर -1 प्लस 1, फिर -1 -1 ओवर 0, तो दिस इज 0 ओवर 0। तो जब आप डायरेक्ट लिमिट आप पुट करें और आपके पास इस तरह की फॉर्म आ रही हो 0 ओवर 0, तो फिर आपने अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगा के पहले इस फॉर्म को खत्म करना होता है। इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए आपको अलजेब्रिक फार्मूला यूज करके उस फैक्टर को आपने खत्म करना होता है जिसकी वजह से ये 0 ओवर 0 आ रहा हो। तो यहाँ हम देखते हैं न्यूमिनेटर में हमारे पास x कॉमन है, तो x² -1 / x + 1 यहाँ अगर आप a² - b² का फार्मूला लगाएं तो उस फार्मूले से आप x² - 1 को लिख सकते हैं x - 1 × x + 1 / x + 1। तो ये वो फैक्टर है x + 1 जो कैंसिल होगा और इसकी वजह से आपके पास ये 0 ओवर 0 वाली फॉर्म आ रही थी। तो अब आपके पास जो लिमिट आ जाएगा x approaches to -1 x × x - 1, यहाँ अब आप लिमिट पुट करेंगे तो दिस इज -1 - 1 - 2 बनेगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई तो +2। तो ये हमारे पास एक नई फॉर्म बनी है जिसमें आप अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास 0 ओवर 0 बनता है। ऐसे हम कहते हैं डिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस फॉर्म को पहले आपने अलजेब्रिक ऑपरेशन से ख़त्म करना होगा। क्वेश्चन के ऊपर भी उसने कहा हुआ है कि अलजेब्रिक टेक्निक्स इस्तेमाल करें और ये लिमिट फाइंड करें। तो अलजेब्रिक टेक्निक्स का मतलब ये है कि आपने जो फार्मूले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़े हुए हैं वो अप्लाई करने हैं आपने। तो पहला हम देखते हैं कि यहाँ कॉमन है कि नहीं। कॉमन ऊपर हम देख रहे हैं एक्स कॉमन आ रहा है तो x² - 1 बन गया। अब अलजेब्रा से हमें पता है कि a² - b² जो है वो a - b × a + b होता है। तो ये a² - b² का फार्मूला x² - 1 पे आपने अप्लाई किया तो x - 1 × x + 1 / x + 1। तो ये x + 1 असल में वो फैक्टर है जिसमें आप लिमिट लगा रहे हैं -1, तो ये 0 ओवर 0 बन गया था। जब आपने इनको कैंसिल कर दिया तो अब आप जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट लिमिट आएगा। वो आपने -1 पुट किया तो आंसर आपके पास +2 आ गया। इस पर मजीद प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है लिमिट x approaches to 0 3x³ + 4x / x² + x। इस क्वेश्चन में भी अगर आप x को 0 पुट करके देखेंगे तो आपके पास ये 0 ओवर 0 वाली फॉर्म बन रही है। इसके लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन है तो वो कॉमन ले लेंगे। या हम देखते हैं कि न्यूमिनेटर में x कॉमन तो 3x² + 4, और डिनोमिनेटर में भी x कॉमन है तो x + 1 आ जाएगा। ये जब x इससे कैंसिल होगा तो अब लिमिट जो हमारे पास है x अप्रोचेस टू 0, x² + 4 ओवर x + 1 रह जाएगा। और यही वो x था जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में आ रहा था, और आपने डायरेक्ट लिमिट पुट किया था तो 0 वो 0 वाली फॉर्म बन गई थी। तो वो फैक्टर आप कैंसिल हो गया, अब आप यहाँ डायरेक्ट x की जगह 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो दिस इज 0 + 4/1 = 4। तो पहले आपको देखना होगा कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है। डायरेक्ट लिमिट पुट करने से अगर 0 0 फॉर्म बन रही है तो फिर आपको अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, जिसमें पहली ये टेक्निक है कि आप कॉमन तलाश कर लेते हैं। कॉमन ना हो तो फिर देखेंगे कि अलजेब्रिक का फार्मूला आप यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो जाती हो। थर्ड पार्ट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 x³ - 8/x² + x - 6 है। इसमें भी अगर आप x को 2 रिप्लेस करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में तो आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0। तो इसे हम लिख सकते हैं x³ - 2³/x² + x - 6 के फैक्टर बनाएंगे तो x² + 3x - 2x - 6। अब हमें पता है a³ - b³, इसका फार्मूला है a² - a² + ab + b² ये फार्मूला हम यहाँ न्यूमिनेटर में लगाएंगे तो a को रिप्लेस करेंगे x से और b को रिप्लेस करेंगे 2 से। तो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x - 2 × x² + ab, तो यहाँ 2x + b², तो 2² = 4 डिवाइडेड बाय, ये हम इसके फैक्टर बना रहे हैं, इन दो में x कॉमन आएगा तो x + 3, और यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो ये x + 3 रह जाएगा। ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x - 2 × x² + 2x + 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ अब x + 3 कॉमन, हमारे पास यहाँ x आएगा और ये -2। तो अब x - 2 यहाँ न्यूमिनेटर में भी आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वो फैक्टर अब कैंसिल हो गया है, जिसकी वजह से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी। तो अब आप डायरेक्ट x की वैल्यू 2 यहां रिप्लेस कर सकते हैं, न्यूमिनेटर में भी 2 पुट कर दिया है, डिनोमिनेटर में भी 2 पुट करें, दिस इज इक्वल टू 4 + 4 + 4 / 5, तो 12/5 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ आपको नेक्स्ट टेक्निक पे जाना पड़ा है, हमें a³ - b³ का फॉर्मूला लगाना पड़ा है और यहाँ नीचे इसके फैक्टर्स बनाने पड़े हैं हमें, x - 2
नीचे एक्स माइनस टू से डिनोमिनेटर से कैंसिल हुआ, तो फिर हमने लिमिट पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो 12/5 नेक्स्ट है हमारे पास फोर पार्ट इसका लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन ये भी हमारी जीरो जीरो फॉर्म है हम एक्स क्यूब माइनस वन ये आपस में कंबाइन कर लें और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स कंबाइन कर लें। डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन है या माइनस थ्री एक्स अगर कॉमन ले लें दोनों से तो ये आपके पास एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अगर आप न्यूमिनेटर पे यूज करेंगे तो ये सारी एक्सप्रेशन आपकी बन जाएगी एक्स माइनस वन होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला या न्यूमिनेटर पे अप्लाई करें तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह वन है तो दिस इज एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ये एक्स माइनस वन इससे कैंसिल होगा x माइनस वन ओवर x इंटू एक्स प्लस वन एक्स को वन रिप्लेस करेंगे तो दिस इज जीरो ओवर टू इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये फैक्टर्स अरेंज करने पड़े हैं, पहले एक्स क्यूब माइनस वन को पता किया है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, यहां से माइनस थ्री एक्स कॉमन लिया है तो हमारे पास ये माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। तो वो फॉर्मूला अप्लाई किया एक्स माइनस वन होल क्यूब, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिखा है, ये एक टर्म से कैंसिल की है तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर रह गया और जब आपने लिमिट पुट किया है तो ये वन माइनस वन जीरो जीरो ओवर टू तो ये जीरो आ जाएगा।